लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्माता जा रहा है। अब ऐसा लगता है कि वर्तमान में सांसद रमेश पोखरिया निशंक के कामकाज से नाखुश साधु संतों ने अब हरिद्वार से लोकसभा सीट पर संत को टिकट देने की मांग को और भी मजबूत कर दिया है। हालांकि वो कुछ दिनों से ऐसी मांग करते रहे हैं। कुछ दिन पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संतों ने हुंकार भी भरी थी। भारत साधु समाज के प्रदेश अध्यक्ष योगी सत्यव्रतानंद सरस्वती ने कहा कि हरिद्वार तीर्थ नगरी है और तीर्थ नगरी की मर्यादा बनी रहे इसके लिए संतों को ही यहां से लोकसभा का प्रतिनिधि होना चाहिए। धर्म नगरी की आस्था को बचाने के लिए संत से कोई अच्छा विकल्प हो ही नहीं सकता। इसके साथ ही उन्होंने सभी पार्टियों से हरिद्वार लोकसभा सीट पर किसी संत को टिकट देने की मांग की है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। मैं चाहूंगा कि आने वाले जो चुनाव में किसी भी संत को टिकट मिले और वो संत जो किसी भी दल से हो लेकिन सनातन धर्मावलंबी हो उसको टिकट मिलती है। तो मैं समझता हूँ इस हरिद्वार धरती की कायाकल्प हरिद्वार की धरती हो जाएगी। ऐसी मैं शासन प्रशासन से और राजनीतिक लोगों से अपनी बात रखता हूँ।